अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसके जीवन की समस्याओं में किसी भी प्रकार का जहर नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति की जीवन की समस्याएं समाधान के रूप में सामने आती है। और ये समाधान तीन प्रकार से, एक बौद्धिक और दूसरा मन के स्तर पर और तीसरा अनुभव के स्तर पर। और ये तीनों प्रकार के समाधान या समता हमारे जीवन में जब आती है तो उसके क्या लक्षण है, ये हमने पिछले तीन चार सत्रों में देखा। अब स्पीकिंग वेदांत इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई वी डू इट, व्हाई गोइंग फॉर डिफिकल्ट थिंग्स। एक बार एक गृहस्थ बड़े खसिया गए, हमसे बड़े गुस्सा कर रहे थे। आप लोगों को क्या होता है, बाबा जी हो, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हो। संसारी बन के देखो फिर समझेंगे आप कैसे बोलते हैं। तो हमने कहा प्रभु हमने इसीलिए तो संसारी नहीं बने, बोलना है इसलिए नहीं बने। जिसको बोलना बंद करना है, इसीलिए हस्बैंड जिसको बोलना बंद करना है वह संसारी बनते हैं, हमको थोड़ी बनना है। तो भगवान अर्जुन को इस दृष्टि से उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपनी बात इस प्रकार से रखी कि केवल युद्ध के मैदान से वापस जाना ही जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है, और इसलिए अब हम युद्ध नहीं करेंगे, और बड़ी ज्ञान की बातें करी। इसीलिए कहते हैं ज्ञान की बात करना एक बात है और उस ज्ञान को जीवन में उतारना दूसरी बात है। जो लोग ज्ञान की बात करते हैं उनको कहते हैं लिपस्टिक वेदांती। वेदांत तो उनके लिपों पर स्टिका हुआ है, इसीलिए लिपस्टिक वेदांती। और वैसा देखा जाए तो हम सभी के सभी लिपस्टिक वेदांती है। और इसको श्रीमद् भागवत महापुराण में असुर वेदांत कहते हैं। असुर वेदांत माने जिस वेदांत में सुर नहीं लगते, वहां प्रसंग इस प्रकार से आता है। हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष, इसकी मृत्यु हो गई। वो होने के बाद हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही थी, तो उस समय हिरण्यकश्यपु ने जाकर के अपने भाभी को वेदांत सुनाया। हिरण्यकश्यपु ने अपने भाभी को जाके वेदांत सुनाया। क्या सुनाया कि देखो अब जो हो गया है वो हो गया है, अब कोई उसको बदल सकता है क्या, जो होनी है वो कोई टाल नहीं सकते। और जहां तक के शरीर का सवाल है, प्रत्येक शरीर को अल्टीमेटली जाकर के मरना ही है, तो वो इस प्रकार से मर गया क्या कर सकते हैं। और आत्मा तो नश्वर नहीं है, देह नश्वर है,
जो बातें हम सब लोग करते हैं वही बातें उस हिरण्यकश्यपु महाराज ने अपने भाभी को सुनाई। अच्छा, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम दो प्रकार से हुआ। एक, हिरण्यकश्यपु के भाभी का दुख निवृत्त हो गया और वो अपने आप को संभाल सके। लेकिन हिरण्यकश्यपु महाराज के दिमाग में कीड़ा घुस गया, मैं देह के रूप से अमर रहना चाहता हूं। और फिर उन्होंने तपस्या करी। सिखाया क्या था कि आत्मा अमर है, देह नश्वर है, हर एक को एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन ये बातें दूसरे के लिए, जहां तक कि अपना सवाल आता है, उसने बड़ी कठोर तपस्या करी और ये वरदान मांगा कि किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो। ऐसा वेदांत जो दूसरों को बताने के लिए होता है उसको कहते असुर वेदांत। इसीलिए हम सब लोग असुर वेदांत ही हैं, चाहे फिर हम रहे चाहे अपने स्टडी ग्रुप्स रहे, है ना? अच्छा, अब प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान के सामने धर्म का पूर्ण निर्णय करके रख दिया, किस प्रकार से ये युद्ध धर्म के विरुद्ध है, किस प्रकार से ये युद्ध करने से हानि होगी, केवल इस जन्म की नहीं अगले जन्म की होगी, केवल हमारी नहीं हमारे पूरे खानदान की हानि होगी, केवल जो जिंदा है उनकी नहीं, जो मर के चले गए पितर लोग उनकी भी हानि होगी, और इस प्रकार से ये युद्ध नहीं करना चाहिए। अब ऐसी जब बातें कही तो भगवान को लगा कि अब इसके साथ शराफत से बात करने से काम नहीं चलता। मराठी में एक कहावत है, जिसका हिंदी में भाषांतरण ऐसा है कि जो कॉबलर्स होते हैं, चमार, चमार के भगवान को जूतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको दूसरी पूजा समझ में नहीं आती, स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से जब अर्जुन खूब उल्टी सीधी बातें भगवान को सिखा रहा था तो भगवान ने कहा अब इसको जरा ठिकाने पर लगाते हैं। और भगवान कहते हैं कि अशोचानन्वशोचस्व प्रज्ञा वादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तुम बात तो ज्ञानी के जैसे कर रहे हो, ऐसे वाक्य का क्या अर्थ है? जो समझदार है उनको इशारा काफी होता है, जिनको समझ नहीं है उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब भगवान ने कहा कि तुम बातें तो ज्ञानी के जैसे कर रहे हो लेकिन तुम्हारा व्यवहार है वो अज्ञानी के जैसा है, इसीलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है प्रज्ञावादांश्य भाषा से। ध्यान से सुनना, अपने अंतकरण के राग द्वेष को, अपने अंतकरण के संदेह के संस्कारों को हम पुष्ट करते हैं एक ही पद्धति से। कौन सी पद्धति? जब हम हर चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं। देख लेना, तत्व सभी कार्य कारण भाव के परे है। इस जगत में जो जो व्यक्ति कार्य कारण भाव में फंसा है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। इस जगत पे कार्य कारण का कोई कहीं मतलब नहीं। इसीलिए जब भगवान किसी को परेशान करने चाहते हैं तो उसके दिमाग में कार्य कारण की एक टिकिया रख देते हैं और उसके कारण वो आदमी हमेशा कार्य कारण में फंसा रहता है। तो अर्जुन इस प्रकार से जब बड़ी कार्य कारण की धर्म निर्णय की बात कर रहा था और उसके बाद जब भगवान का समय आया तो उन्होंने उसको बातें तो बड़ी लंबी लंबी कर रहे हो लेकिन तुम्हारा व्यवहार तो एक कायर के जैसा है। अच्छा, तो उन्होंने दूसरी मिसाइल निकाली और दूसरी मिसाइल कौन सी थी? भगवान गाली किसी
भगवान को गालियां सिखाने का एक वो गालियों को व्याकरण में जैसे क्रियापद का प्रयोग करते हैं उस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में गाली ना हो वो वाक्य पूरा नहीं होता और वो बड़े खानदानी है, इसीलिए प्रत्येक गाली में पूरा खानदान निकालते थे। तो ऐसे भगवान बचपन में वहां बड़े हुए तो उन्होंने अर्जुन को स्ट्रेट अवे गाली दे दी, क्लैव्यम मा स्मगम अपार्थ, हे अर्जुन तुम नपुसक मत बनो। अब किसी भी व्यक्ति को नपुसक कह दे तो उससे बढ़कर के उस आदमी का और कोई अपमान नहीं हो सकता। आदमी के अपमान करने के जो अनेक तरीके हैं उसमें से एक तरीका है किसी को नपुसक कह दे। तो ऐसा जब भगवान ने अर्जुन को कहा तो अर्जुन को नेचुरली गुस्सा आएगा, आप मुझे नपुसक कहते हो युद्ध के मैदान में, देखा नहीं दाढ़ी मूछ है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि बाबा जी वो दाढ़ी मूछ इसलिए रखते हैं कि लोगों को जताने के लिए कि हम भी आदमी है। तब तो कहाँ है, अभी देह में ही फंसे हुए हैं। अच्छा अब ऐसी जब बात कही अर्जुन फिर बोलने लग गया, ध्यान से सुनना, अर्जुन बोलने लग गया और फिर जस्टिफाई करने लग गया किस प्रकार से मेरा युद्ध से उपराम होना ठीक है। यदि हम अपने निर्णय को जस्टिफाई करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकला कि हम अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार नहीं, और एक बार हमने अपने निर्णय को बदलना नहीं ये निर्णय ले लिया है तो हम अपने जीवन में कंटिन्यूअसली दुखी रहेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए जैसे हमारे पास कई संत आते हैं कहते हैं स्वामी जी आप शादी करते तो फिर देखते कैसे हंसते। माने हम गृहस्थ है और इसीलिए हमको रोना धोना, हमको लाइसेंस मिला है तो रो ना, फिर हम तबला बजाएंगे, रो उसमें भी ताल चाहिए ना। तो एक अपने जीवन के दुख को लेकर के दुखी होना, दूसरा अपने दुखी होने को जस्टिफाई करना। थिंक, जितने भी दुखी लोग होते हैं वो अपने दुख से बाहर नहीं आना चाहते। पहले हमको ऐसे लगता था कि आदमी दुखी होने के कारण यदि वो सुखी हो जाए तो वो टोटली गलत बात है, पीपल आर वेरी हैप्पी बाय बीइंग मिजरेबल। आप किसी को दुखी होने में पड़ी है तो होने दो ना दुखी, क्या फर्क पड़ता है। अब अर्जुन जब इस प्रकार से बात कर रहा है कि हमारा दुखी होना, हमारा इस संसार से या उस युद्ध के मैदान से उपरत होना कैसा योग्य है, ये जब अर्जुन ने कहा तो उसके द्वारा हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का विषय है। हम सब लोग एक किसी विचारधारा में फंसे हुए हैं, जब तक उस विचारधारा का त्याग नहीं करेंगे तब तक के हम अपने आप को नहीं सुधार सकते। एक उदाहरण देंगे आपको, जब कोई व्यक्ति रो रहा हो और उस समय उसको भंग पिला दिया जाए तो वो नॉनस्टॉप रोते रहेगा। यदि कोई हंस रहा हो और उसको भंग पिला दिया जाए तो खूब हंसते रहेगा। तो भंग के द्वारा क्या होता है कि उसका थॉट फिक्सेशन हो जाता है, और जब तक के वो भंग की नशा चढ़ी रहेगी तब तक के वो एक ही विचार को, एक ही थॉट को मेंटेन रखता है। यह जो भंग की नशा है वही नशा जब हम लोगों को चढ़ जाती है तो हम किसी एक चीज को लेकर के उसमें इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि उसको त्यागने को तैयार ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए
समझो किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना हुई, अब हर एक के जीवन में होती है, पर दुर्घटना स्टैंडर्ड देख करके होती है। यदि कोई एक छोटा मोटा छटा के आदमी हो तो उसको दुखी करने के लिए भगवान को बहुत बड़ी चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुबह उसको चाय नहीं दिया, इनफ, उस एक चाय की प्याली को लेकर के वो पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है, जो इतना एफिशिएंट है उसको ज्यादा दुखी बनाने की क्या जरूरत है। और जो व्यक्ति बहुत मुश्किल से दुखी होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं। आज अब दुख आने के बाद अब उसी दुख को कब तक पकड़ के बैठेंगे भैया, छोड़ना तो चाहिए ना। और इसीलिए ये जो टेक्निक भगवत गीता में बताया है, ये टेक्निक का नाम है रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करना। भगवान ने किया क्या, जो अर्जुन रो रहा था, रोते हुए व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार से, जो व्यक्ति अपने मोह में डूबा हुआ है उसको किसी भी प्रकार से उस मोह से 2 मिनट के लिए क्यों ना हो बाहर ले आओ। दिस इज द फर्स्ट इमरजेंसी। एक बार एक छोटा सा, हम कई पुस्तक में पढ़ रहे थे, एक छोटा बच्चा कहीं गया था पिकनिक में वगैरह, और थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उसका जो दोस्त था, छोटा सा ये दोस्त छोटे बच्चे का, मर गया। मरने के बाद जब ये बच्चा घर आया तो इतना उसको शौक जैसे लगा कि उसका हंसना खेलना सब बंद, हमेशा अपने दोस्त की ही बात सोचता था, अब क्या होगा, कैसा होगा, क्यों हो गया। अब उसके पिताजी बाय मिस्टेक इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने सोचा अब ये बच्चे को इसमें से कैसा निकाला जाए, तो उन्होंने उनको उस बच्चे को कहा कि योर कंडीशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ ए कैटरपिलर। तो बच्चा सोच रहा था, पिताजी ने मुझे कैटरपिलर क्यों कहा। अब क्यों कहा वो बात अलग है, महत्व की बात यह है कि उसका जो विचार उस छोटे बच्चे के मरने के कारण उसमें फंसा हुआ था, वहां से अब धीरे धीरे निकल रहा है। पापा आपने मुझे कैटरपिलर क्यों कहा, कैटरपिलर आप है, आपको दाढ़ी मूछिए, मेरे पास तो कोई बाल नहीं है, और कैटरपिलर के जैसा मैं हूं। माने क्या, बोले ऐसा ही है जैसे तुम हो। बोले मुझे समझाओ। फिर उन्होंने समझाना शुरू कर दिया, ये जो कैटरपिलर होता है उसको भी ऐसे लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो अपने ही अगल बगल में धागों के द्वारा ककुन बनाता है, उसके अंदर रहता है, मरता नहीं वो। लेकिन जब वो कैटरपिलर अपने उस कैटरपिलर रूप का त्याग कर देता है तो उसको लगता है कि मैं मर रहा हूं, लेकिन वो मरता नहीं। उसके बाद उस ककुन के अंदर में रहने के बाद उसको जरा खोल के देखो, उसके अंदर होता है, मरता कोई नहीं, लेकिन उसको भी वहां लगता है चारों तरफ से मेरे दीवार आ गई है, अब मैं फिर मरने वाला हूं, और इस प्रकार से अपने आप को वहां कोसते रहता है। और जब योग्य समय आता है तो उसके बाद ककुन भी टूट जाता है और उसके अंदर से गिले गिले पंख वाली तितली बाहर आने का प्रयत्न करती है, और सूर्य प्रकाश के द्वारा उस तितली के पंख जब सूख जाते हैं तो जो डूं करके उड़ जाती है तब उसको मजा आता है। हाँ, इसको कहते हैं जीवन। ये कहानी जब उस बच्चे ने सुनी तो उसको लगा, अच्छा तो मेरा जो मित्र है वो इस एक्सीडेंट में जो मरा है वो मरा नहीं। बोले नहीं, फिर वो तो अब तितली बनकर के उड़ेगा। इसके द्वारा हुआ क्या और क्या साध्य हुआ, एक किसी भी विषय को लेकर के जब हम ऑब्सेस हो जाते हैं और उस ऑब्सेशन के कारण हम इतने दुखी होते हैं कि इस जगत में और सारी बहुत बातें हैं जिसको लेकर के उस छोटे से दुख को हम त्याग सकते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी कोई घटना और उस घटना को लेकर के इतने ऑब्सेस हो जाना। इसीलिए भगवान इसको समझाने के लिए एक बहुत कॉमन सेंस फिलॉसफी
कॉमन सेंसों उपनिषद बताते हैं। पूरी भगवत गीता को कहते हैं ना कि उपनिषद सु, भगवत गीता के विचार उपनिषद के विचार है। तो यह कॉमन सेंस उपनिषद क्या है? बहुत सरल है। भगवान कहते वहां मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिना अनित्याः शांति दीक्षस्व भारत। बहुत कॉमन सेंस की बात है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों भी आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। दुख हमेशा नहीं रहता, सुख भी हमेशा नहीं रहता, रहते हैं हम। जिसने इस सुख और दुख दोनों को प्रकाशित किया है, लेकिन हम हर बार सुख आया तो कुदकने लगे, दुख आया तो एकदम अंडरग्राउंड चले गए। इस प्रकार से पूरे जीवन में उछलना कूदना और रोने रहना, इसके सिवा हमारा जीवन कुछ है ही नहीं। तो करें क्या? बहुत सरल टेक्निक है। ये टेक्निक ये है कि अंग्रेजी में बताते ताकि हिंदी में समझ में आएगा। टेक्निक ये है, व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। दिस इज ए पेसिमिस्टिक क्राई। ये फिलॉसफी नहीं है, ये फिलॉसफी है। दैट विच इज फॉलोड बाय द सोफिस्टिकेटेड फूल्स इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। सॉफी मीन्स सोफिस्टिकेटेड और फूल मीन्स फूल। तो कौन सी फिलॉसफी असली है? व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड नॉट बी एंड्योर्ड देन शुड बी एंजॉयड। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ओ मैन कम टू दिस यूनिवर्सल सेलिब्रेशन ऑफ जॉय एंड एक्स्ट्रावेगेंजा। हम लोग इस जगत में एक वैकेशन के लिए आए हैं, वैकेशन के लिए आए और वहां भी अपने सब पूरी चीज की कस्बा का कस्बा ले आए और वही चाय बिना कान वाला कप में लेकर की पी रहे और फेंको उसको। जब तक हम ये सिद्धांत स्वीकार नहीं करेंगे, कौन सा? हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण केवल एक ही कार्य में लगे। और कौन सा? हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में परिपूर्ण आनंद की परफेक्ट अभिव्यक्ति करें, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और उसके लिए सब कुछ ठीक है। यदि आप छोटा मोटा झूठ बोल करके किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हो तो झूठ बोलो, उसका पाप लगेगा, मुझे दे देना। कई बार ये गलत बात होती है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। वो कोई आयुर्वेदिक की दवाई है? सत्य हमेशा कड़वा होता है। ये आयुर्वेद वालों ने मुझे परेशान कर दिया है। अब मैंने कसम खा रखी है कि मैं आयुर्वेद की कोई दवा नहीं लूंगा, मैं वेद की दवा लूंगा, आयुर्वेद की नहीं। कैसी विचित्र बात है दुनिया में, एक आयुर्वेदी पब्लिक को कड़वा पिला करके चेहरे पर हंसी लाओ कहते, असंभव। तो दूसरा एक्सट्रीम, होम्योपैथ छोटी सी साबूदाना देंगे और दे करके बड़े खुश हो जाएंगे, हमको कुछ होता ही नहीं। अच्छा, यदि इस सिद्धांत को स्वीकार करना है कि हमको अपने जीवन में केवल सहना नहीं है, सहने का नाम मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। वी मस्ट रिकॉग्नाइज दिस पोटेंशियलिटी इन एवरी वन ऑफ अस। कौन सी? कि हमारे कारण प्रत्येक क्षण एक ऐसा सेलिब्रेशन बन जाए कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आ जाए, मुर्दा आए तो उठ के चला जाए। तब तो कहीं अपने जीवन में कोई रस है, नहीं तो जिंदा आए और मुर्दा होके पड़े, परेशानी अपने कोई उठा के ले जाना। तो सिद्धांत क्या है? तान तितिक्षस्व भारत। भारत माने वो इंडियन नहीं, भारत माने जिसकी भा प्रभा शोभा ज्ञान में जो रमण करता है। और ज्ञानी कौन है? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
ज्ञान का लक्षण ये है कि जो कभी भी दुखी नहीं होता। अब ज्ञान कभी भी दुखी नहीं होता, इसको हम उदाहरण के द्वारा बताएंगे। आप हमारी आंखें चाहे लाल रंग देखे, चाहे नीला रंग देखे, चाहे पीला रंग देखे, तो हमारी आंखों को कुछ नहीं होता। आंख केवल रंग को प्रकाशित करती है। आंख ज्ञान स्वरूप है और रंग वो विषय है जिनको आंखें प्रकाशित कर रही है। उसी प्रकार से हमारा मन सुख दुख इनको प्रकाशित करता है। मन सुखी दुखी नहीं होता। उसी प्रकार से हम जो चैतन्य स्वरूप है, यह चैतन्य स्वरूप परमात्मा तत्व संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन इस विश्व के कारण वो परिच्छिन्न नहीं हुआ है। और यही अपनी असलियत है। इसको पहचान करके रहना माने अपने जीवन में मस्ती आ जाए, और इसको पहचानने के लिए साधना करना माने शांति दीक्षस्व भारत। सहलो सहलो, जो व्यक्ति अपने जीवन में सहन शक्ति बढ़ा सकता है वही जीवन में प्रभु को पा सकता है। और प्रॉस्पेरिटी और पेशेंस, दे आर डायगोनली अपोजिट। मोर प्रॉस्पेरिटी वी लिव इन, लेस पेशेंस वी हैव, बट मोर पेशेंट वी बिकम। और इसीलिए अपने जीवन का एक बड़ा सह सिद्धांत है, सहने की क्षमता हम प्रत्येक में है। सहलो सहलो, आप देखेंगे जैसे अभी सभी आप यहां आए हैं, अब आप सभी के सभी सह रहे हो। मैं तो यहां बढ़िया बैठा हूं आराम से गद्दों पर, और आप एक दूसरे के इसमें बिल्कुल धक्का मार मुड़ के बैठे हैं और इतने शांत। तो ये आपकी जो सहन शक्ति यहां है, इसका क्या कारण है? एक, आप सब मुझसे प्रेम करते हैं, हा ना? अब ना कहां कहोगे पब्लिक के सामने? अब देखो, जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो अपने अंतकरण में सहन शक्ति जागृत हो जाती है। जब हृदय में प्रेम नहीं होता तो सहन शक्ति नहीं होती। तो जहां हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो गया, प्रेम और दुख साथ साथ नहीं रहते। जब हम अपने प्रेमी को मिलते हैं तो उसमें दुख थोड़ी होता है। इसीलिए तांति दीक्षस्व भारत। अच्छा, इसके पश्चात भगवान जब अर्जुन को हिला करके उसका जो एक मूड बन गया था, उस मूड को उन्होंने बिगाड़ दिया। और फिर जब देखा कि अर्जुन अब ये रोने के मूड से मैं जो बता रहा हूं उसको सुनने के लिए तैयार है, ये जब भगवान ने देखा अर्जुन की स्थिति, तब उसको धड़ाधड़ आत्मज्ञान बता दिया। और ये आत्मज्ञान ऐसी विचित्र बात है, समझ में किसी को नहीं आता, लेकिन सुनने को अच्छा हरेक को लगता है। कारण क्या है? यही सत्संग का स्थान ऐसा स्थान होता है जहां आकर के आम पब्लिक में हमको बोला जाता है कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। मुझे बताओ, जगत में जब हम घूमते हैं किसी ने हमको कहा है तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो? हमको सब बता दे बेवकूफ मूर्ख। अनेक प्रकार के डिग्रियां हमको दी जाती है, तो यही एक स्थान है कि महात्मा लोगों ने हमको असली पहचाना है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि देखो भैया, तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो। अब जब हम केवल सुनते मात्र है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसका इतना आनंद है, भले समझ में आए ना आए, इसका इतना आनंद है कि हम इसको सुनने के लिए दसों बार आ जाते हैं। अब यदि ऐसा सुन सुन के एक आध दिन तो कोई पत्थर लग जाएगा, जैसे समझो किसी का निशाना ठीक ना हो, तो क्या करे? 10-15 पत्थर हाथ में ले ले और मारे, एक तो लगेगा।
और इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम है। समझे, एक ही बार कहा कि ओम केशवाय नमः और हमको केशव राव याद आए, तो भगवान फिर सेकंड हैंड हो गए। फिर हम दूसरा ट्राई करते, ओम माधवाय नमः, फिर माधव राव सामने आए, फिर हमने उनको अलग कर दिया। ऐसा करते 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 1000 नामों में से एक तो नाम लगेगा ठीक से भगवान के नाम पर। और यही टेक्निक यहां शास्त्रों में बताते हैं। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। जब सत्संग में आते रहेंगे धीरे 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 ये संस्कार पड़ते जाएंगे, और उन संस्कारों के द्वारा इस जगत का पूर्ण आनंद हम है, हमारे कारण सब कुछ है, किसी के कारण हम नहीं है। ये बात जब धीरे धीरे समझ में आ जाती है तो फिर जितना हमने अपने स्वयं के आनंद को चखना प्रारंभ किया, उतना जगत के वस्तु व्यक्तियों से आनंद लेने की जो हमारी पहले होड़ लगी हुई थी वो अपने आप शांत हो जाएगी। और जितनी ये बहिर्गामी होड़ शांत हो जाती है उतना ही व्यक्ति के जीवन का सौंदर्य और खिलने लग जाता है। अब ये सब बातें भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को बताई, ज्ञान की बातें, आत्मा ऐसा है वैसा है, ये मरता नहीं, तुम क्यों फिक्र करते हो, ट्राई करके देखो मरने का, तुम नहीं मर पाओगे, अनेक प्रकार के उन्होंने उदाहरण इत्यादि दिए। अच्छा, वो देने के बाद धीरे 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 जब भगवान ने देखा कि अर्जुन का मन अब भगवान के अभिमुख हो गया है, ये दूसरी महत्व की बात हम आपको विस्तार से समझाएंगे। यदि हमको समझो किसी का ऑपरेशन करना हो तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है, जिसका ऑपरेशन करना हो वो हमारे प्रति समर्पित हो जाए। यदि ऑपरेशन करना हो और हम चक्कू लेके आए और वो भागा, तो क्या भागते हुए आदमी का ऑपरेशन करेंगे? लोग कहेंगे कि उसको मारने को दौड़ रहा है और हम चाहते ऑपरेशन करना। तो पहली आवश्यकता क्या है कि जिसका हम आपको ऑपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे प्रति 100% समर्पित हो जाए, और उसको कहे चलो तुम लेटो, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करता हूं, हिलना मत। जैसा वो चक्कू देखेगा तो जोर से चिल्लाएगा, तो फिर हम उसको केमिकली समर्पित कर लेते हैं और उसके अंदर में इंजेक्शन भरा करके कुछ भरा करके, वेन ही इज केमिकली सरेंडर्ड, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन शुरू करते हैं। उसी प्रकार से जब तक के शिष्य का गुरु के प्रति मानसिक और बौद्धिक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होता, तब तक गुरु शिष्य के मन और बुद्धि इसका ऑपरेशन करके उसके अंदर से परमात्मा को बाहर नहीं निकाल सकते। और जैसे ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि पेशेंट को समर्पित करवा लेना, उसी प्रकार से ये गुरु की जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से शिष्य का मन, शिष्य की बुद्धि अपने प्रति समर्पित करवा ले। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर गुरु उस शिष्य के मन बुद्धि पर ऑपरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। देखो, शिष्य के या भक्त के मन को जो अत्यंत चंचल है उसको पकड़ करके उसको ठीक करना ये कितना कठिन है, एक दो उदाहरण से बताएंगे। यदि समझो ये कुछ डिजाइन निकालना हो जमीन पर, तो सबसे पहली आवश्यकता किस चीज की है कि यदि हमको ये रंगोली निकालते हैं ना, वो निकालनी हो तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है, हमको लाइन मारते आना चाहिए। आई डिड नॉट सी एनीथिंग। कल हम एक आर्किटेक्ट को मिले,
तो हमने उनको पूछा कि प्रभु आप आर्किटेक्ट क्यों बने, बोले पता नहीं स्वामी जी। तो हमने कहा हम बताएं आपको किस लिए, आपने बहुत लाइनें मारी इसीलिए आर्किटेक्ट बन गए। तो सबसे पहली आवश्यकता हम सीधी लाइन खींच सके। ये कारपेट पर या जमीन पर रंगोली निकालने की पहली क्वालिफिकेशन। उसके बाद यदि ऐसी वो रंग फेंक करके रंगोली निकालनी हो तो अपने हाथ पर टोटल कंट्रोल चाहिए। निकालना है घोड़ा और निकल गया गधा, यू कांट डू एनीथिंग। एक बार फेंक दिया फेंक दिया। तीसरी बात, यदि जिस हाथ से रंगोली को फेंक करके निकालना है वो जो अधिष्ठान है सबस्टैटम है वो यदि पानी हो तो फिर उस पानी पर हम ये जो सॉडस्ट होता है लकड़ी का भूरा उसको धीरे से रखते हैं, उसके ऊपर में एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसके ऊपर में धीरे धीरे रंगोली बनाते हैं। और ये करते समय अपने ही सांस के कारण, लीगल सांस नहीं नेचुरल सांस, अपने ही सांस के कारण यदि उस पानी में थोड़ी हलचल आ जावे तो हम रंगोली नहीं निकाल पाएंगे। तो उस पानी को पहले स्टेबिलाइज करके उसके ऊपर रंगोली निकालने के लिए कितनी सूक्ष्मता चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 1,000,000 टाइम्स, उससे ज्यादा सूक्ष्मता चाहिए। किसी के मन को पकड़ लो और पकड़ने के बाद उसके अंदर के जो गलत संस्कार है उसको हटा दो और दूसरे संस्कार निर्माण मत करो और उसी संस्कार रहित अंतकरण को ही परमात्मा कहते हैं, ये उसको जता दो। ये काम साधारण नहीं है और इसीलिए संत लोग गुरु महाराज पहले अपने शिष्य का या अपने भक्त का मन अपने प्रति समर्पित कर लेते। मन समर्पित तब होता है जब हम अपने से किसी को बड़ा स्वीकार करते हैं और अनुभूत करते हैं। समर्पण के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने से किसी को बड़ा श्रेष्ठ स्वीकार करें। लेकिन यदि हमको ऐसा लगे कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मुझे तो सब कुछ आता ही है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। हमारे भगवान शंकराचार्य मुंडकोपनिषद के एक मंत्र पर भाष्य लिखते हैं। मंत्र है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस तत्व को जानने के लिए अपने गुरु महाराज के पास चले जावे। और कैसे चले जावे, हाथ में समिधा लेकर के, समिधा माने सूखी लकड़ी लेकर के, किस लिए, गुरु महाराज की पायर लगाने के लिए, बोले नहीं, ये बताने के लिए अब हम सूखे होकर के आए हैं, अब बस थोड़ी अग्नि लग जाए ज्ञान की, एकदम प्रज्वलित हो जाएंगे ब्रह्माग्नि में। इसलिए उस मंत्र पर भाष्य करते समय भगवान शंकराचार्य महाराज स्पष्ट रूप से लिखते हैं, शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम् न कुर्यात्। हम चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, हम चाहे कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान ये विषय है, इस विषय का अनुसंधान अकेले हो करके बिना गुरु की सहायता के आज तक ना कोई कर सका ना कोई कर सकता है। कारण क्या, कारण ये है कि जितने भी भौतिक ज्ञान है उस भौतिक ज्ञान में एक लांछन है, एक कमी है। और वो कौन सी है, किसी भी वस्तु का जब हम ज्ञान लेते हैं तो वो हमेशा अनात्म रूप से ज्ञान लेते हैं। जैसे हमने देखा कि ये माइक है, तो ये माइक होना और मैं इनमें अंतर बना हुआ है। तो माइक को जब मैंने जाना तो मैं माइक नहीं बना, जब मैंने गधे को जाना तो मैं गधा नहीं बना। लेकिन
जब मैं तत्व को जानता हूं तो मैं तत्व हूं, इस प्रकार से जानता हूं। वह ज्ञान जिसमें जानना और होना एक है, वो है आत्मज्ञान की प्रक्रिया। लेकिन भौतिक ज्ञान की प्रॉब्लम क्या है? वॉट एवर नॉलेज वी गैदर ऑब्जेक्टिवली एंड द स्ट्रगल ऑफ ऑब्जेक्टिफाइंग द सब्जेक्ट मेक्स वन फ्रस्ट्रेटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट वी मे स्पेंड लाइव्स टूगेदर एंड येट द ट्रूथ विल नेवर बी रिवील्ड। What is the problem? This is the problem. We try to objectify the subject. Something like we try to see our own eyes. We can see everything by our eyes, but we can never see our own eyes. क्यों जी? हम तो देखते हैं आईने में। प्रभु, आप आईने में अपने आंखों का प्रतिबिंब देखते हैं, आंखों को नहीं देखते। जब छोटी सी आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, वो मन अपने आप को नहीं देख सकता। जहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायकोटॉमी एंड्स, देयर द ट्रूथ इज रिवील्ड। और इसीलिए जब अर्जुन ने इस प्रकार से अनेक बातें कही, भगवान ने उसको मन को शांत किया और उसको अपने तरफ खींचने के लिए आत्म तत्व का उपदेश किया। कोई फर्क नहीं, समझ में आया नहीं आया, इट मेक्स नो डिफरेंस। क्यों? कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि एनी वे आत्मा समझने की वस्तु है ही नहीं। तो क्या ना समझी की है? ना समझी की भी नहीं है, फिर क्या है? वो आप हो। एक बार हम अमेरिका में थे, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, और वहां हमारा लेक्चर होने के बाद एक वहां के कोई कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह थे, वो आकर के हमको मिले और कहते हैं कि स्वामी जी, यू हैव प्रेजेंटेड द कंसेप्ट वेरी ब्यूटिफुली। तो हमने कहा, प्रभु हमने कंसेप्ट की बात नहीं की, यू आर ए कंसेप्ट और ए रियालिटी। थिंक द ट्रूथ इज नॉट ए कंसेप्ट, इट इज द रियालिटी। और जब तक कि हम अपने बुद्धि के गुलाम है, तब तक के हम तत्व को कंसेप्चुअली कंसीव करेंगे। और जब तक के तत्व को हम कंसेप्ट के रूप में जानते हैं, तब तक के तत्व हमसे बहुत दूर भाग गया है। और इसीलिए जब अर्जुन की यह स्थिति को जाना और उसका मन अपने अभिमुख कर लिया, और जब अर्जुन अब सब कुछ बातें सुनने को तैयार है, उस समय भगवान ने अर्जुन को उसके लायक जो उपदेश है वो उपदेश दिया। ये चौथी महत्व की बात, उपदेश करना एक बात है और किसको क्या उपदेश करना चाहिए ये दूसरी बात है। एक बार एक पति पत्नी, पति फिलोसॉफर, कॉलेज में विद्यार्थियों को वेदांत वगैरह पढ़ाते थे, बड़े बड़े थीसिस की डिग्रियां निकलती थी, हर एक साल में दो चार PhD निकलती थी। और उनकी पत्नी अच्छी थी, माने पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो अपने घर में घर का काम करती थी। तो एक दिन उसका जब काम हो रहा था तो वो बच्चा रो रहा था, तो उन्होंने उस बच्चे को लिया और अपने पति के टेबल के पर रख दिया, जरा इसको देखो, मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा है, और चली गई। और जब देखा तो बच्चा शांत बैठा है। उनको परेशानी हुई, हुआ क्या, मेरे पास इतना रो रहा था और वहां जाकर के शांत बैठा है। और वो बिचारी फिर आ गई, क्यों बेटा क्या हो गया, मेरे पास तो तुम इतने रो रहे थे, यहाँ क्यों शांत हो गए? पता नहीं पापा कोई फिलोसॉफी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा इट इज बेटर टू कीप क्वाइट देन टू लिसन। हाँ, उस बच्चे को क्या फिलोसॉफी सुना रहा है, माने हमको क्या आता है और क्या किसको बताना चाहिए, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। नहीं तो जहां गए ब्राह्मण को ले आए, अरे उसको स्पेयर करो। हमको याद है, कम से कम 20 साल पहले की बात होगी, हम एक बार कहीं लेक्चर के लिए जा रहे थे और
स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में थे हम वृंदावन में, तो हमने कहा कि स्वामी जी हमारे बच्चों का कैंप है, हम जा रहे हैं। बोले जाओ। और हम जब निकले तो दरवाजे से हमको बुलाया, इधर आना, देखो बच्चों को ब्राह्मण से मत डराना। कितनी सत्य बात है। जो आया सबको, वो जो होती है ना ये घरों में बूढ़ी माताएं, किसको कुछ भी हो जाए वो सुध शेखर की मात्रा सबको दे दो। किसी को सर दर्द होता है सुध शेखर, किसी को डिलीवरी नहीं होती सुध शेखर, कोई मतलब है दोनों का। उसी प्रकार से जो आए उसको ब्रह्म नहीं। इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन को देखा ठीक से कि अब ये मेरे विचार सुनने को तैयार है, उसके बाद भगवान ने पहली बार भगवद गीता में जो स्पष्ट रूप से उपदेश किया है अपने बुद्धि के स्थैर्य को लाने के लिए, वो उपदेश है समत्व का। भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, अपने जीवन में जीते समय यदि तुम ये कर्म के कारण पाप पुण्य के चक्कर से बचना चाहते हो तो अपने मन को अपने बुद्धि को इस समत्व में प्रतिष्ठित करो। समत्व कहाँ कहाँ लाना है? सुख दुखे समे कृत्वा। सुख दुख सम नहीं हो सकते, सुख सुख है दुख दुख है। यदि वो सम होते तो उनको अलग अलग क्यों कहते? स्त्री और पुरुष ये सम नहीं हो सकते, यदि वो सम हो सकते थे तो उनको अलग अलग कहने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार से जब भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में सुख दुख आने के पश्चात जब हमारे बुद्धि का संतुलन उनके कारण विषम नहीं होता, ये उसका तात्पर्य है। ऐसे नहीं कि सुख आया तो वो सुख नहीं है, दुख आया तो वो दुख नहीं है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि कहीं सुख है तो समय कृत्वा इसीलिए दुखी हो जाओ, और कहीं दुख है तो समय कृत्वा इसीलिए हंसने लग जाओ, दुखी हो गए हा 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 बड़ा मजा आया। नहीं, तो सुख दुख को सम समझना माने अपने जीवन में सुख दुख के प्रसंग आने के पश्चात अपने बुद्धि का संतुलन टूट न जाए, ये समझना है। सुख दुख कभी समान नहीं होगे। तो क्या कर रहे, कहते हैं भगवान सुख दुख के समय कृत्वा उनको समान बनाना है। उनको कैसे समान बनाएंगे? जब दोनों प्रकार की अनुभूतियों को हम एक ही प्रकार के सामान्य रूप से प्रस्तुत हो जाएंगे तब हमने समत्व की सिद्धि हासिल की है। सुख दुखे समय कृत्वा। अब इसको कैसे समत्व के रूप में ले आए, ये सब विचार है जिसके द्वारा बुद्धि में स्थित प्रज्ञा हो जाती है, यही आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो उसके लिए अपने इस सुख दुख को समत्व करने के लिए क्या किया जाए? साधु संतों के जीवन पढ़ो। आप देखेंगे एक भी साधु संत आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं रहा कि जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए। तो अपने जीवन में कष्ट आते हैं तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अपन भी साधु संत बन सकते हैं। देखो, और हमारे अंदर जो सौंदर्य है वो तब निखर के ऊपर आता है जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, अन्यथा नहीं। अब देखो एक कहानी है, एक बड़ा पत्थर था और उस पत्थर के पास एक हाथोड़ी छन्नी लेकर के एक बड़ा कलाकार पहुंच गया। और जब उस पत्थर ने देखा कि बाप रे, एक छिन्नी हथौड़ी लेकर के कोई पहुंच गया, बड़ा राक्षस लगता है। कलाकार को कोसता था, पूरे दुनिया को कोसता था। और धीरे 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 मूर्ति की निर्मिति हुई
और जब उस मूर्ति की बहुत बढ़िया मंदिर में स्थापना हो गई और सभी के सभी लोग आकर के उनके सामने जब नतमस्तक होते थे तो पहले भी वो पत्थर रोता था और अब भी रोता ही है, लेकिन पहले आंसू थे दुख के और अब के आंसू है कृतकृत्यता के। जिसके जीवन में दुख नहीं आते हैं वो बड़ा दरिद्री है। आप देखो, अपने जीवन के सौंदर्य को बाहर निकालने के लिए जीवन में दुख का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे स्वामी जी कहते थे, यदि हमको किसी चक्कू को धार लगवानी हो, इम्पोर्टेड हांगकांग मेड, क्योंकि इंडिया में चक्कू मिलते नहीं, और उस चक्कू को यदि हमको धार लगानी है तो क्या हम ये कहेंगे कि इतना इम्पोर्टेड चक्कू है इसीलिए इस चक्कू को आप पत्थर पर नहीं रगड़ेंगे, इसको बटर स्लैब पर रगड़ेंगे धीरे धीरे, तो उससे उस चक्कू को धार नहीं लगेगी। उसी प्रकार से जीवन की कठिनाइयां हमारे अंदर में छिपा हुआ जो सच्चिदानंद परमात्म तत्व है उसको निखार करके बाहर लाने के लिए वह परमात्मा बड़े प्रेम से हमको दुख देता है, कष्ट के कारण नहीं, कष्ट के लिए नहीं। जब हम बुरे कर्म करते हैं और हमको नरक में भेजा जाता है, तो जब हम नरक में जाते हैं तो हमारी क्या भावना है, और जब हम नरक में जाते हैं तो भगवान की क्या भावना है? वही है, जब हम अपने गंदे कपड़े लॉन्ड्री को भेजते हैं तो कपड़े की क्या भावना है और हमारी क्या भावना है? हमारी भावना ये है कि कपड़ा गंदा हो गया, नेवर माइंड, उसको धुलवा करके ले आएंगे और फिर पहनेंगे। उसी प्रकार से प्रभु अपने करुणा के कारण इन पापी जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट दे करके नरक में भेज करके, माने वो वॉशिंग मशीन में उसको धुलवा करके वापस लाते हैं ताकि वही जीव आगे चल करके मेरा भक्त बने। भगवान किसी को तिरस्कृत नहीं करते। जितनी ये बात समझ में आएगी संतो, उस समय पता चलेगा कि अपने जीवन का प्रत्येक कष्ट, अपने जीवन का प्रत्येक दुख हमको भगवान के पास जाने के लिए हमारा वीसा रिन्यूअल है, उसमें कोई खराबी नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा, दूसरा विचार, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं और सुख आते हैं तो कहां से आते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे जीवन के सुख हमारे पुण्य का फल है और हमारे जीवन के दुख हमारे पाप का फल है। यदि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या हो रहा है? हमारे पाप क्षय हो रहे हैं। जिसके पाप क्षय हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? यदि हम अपने कपड़े गंदे लेकर के गंगा जी में जाए और वहां साबुन लगा करके पानी से धोने लगे और उसमें से बहुत गंदगी निकले, तो हमको दुख होना चाहिए कि सुख होना चाहिए? अच्छा हो गया, गंदगी निकल गई, अब ये कपड़ा साफ बन रहा है। उसी प्रकार से अपने जीवन का प्रत्येक दुख हमको प्रभु के पास जाने के लिए लायक बनाता है। सुख दुखे समय कृत्वा, और जितनी ये विचारधारा तगड़ी बनेगी तब हम अपने जीवन के दुख को लेकर के दुखी नहीं होंगे। पूरी जो बुद्धि की साधना वो यही है, जीवन में दुख आना भले हमारे हाथ में ना हो लेकिन सुखी दुखी होना ये हमारे हाथ में है। कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध के कारण दुखी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध के कारण सुखी नहीं होता। यदि व्यक्ति प्रारब्ध के कारण सुखी दुखी होता तो अमीर घरों में दुखी और गरीब घरों में सुखी कहीं मिलता ही नहीं। जीवन में अमीरी गरीबी भले प्रारब्ध के कारण आए लेकिन हम देखते हैं अमीर घरों में भी सुखी दुखी दोनों होते हैं। कारण क्या?
एक ही, वी हैव चोजन टू बी हैप्पी और मिजरेबल। तो सुख दुख के समय कृत्वा का तात्पर्य यह है कि उन सुख दुख को समान करने के लिए हमारी उनके साथ ऐसी रिश्तेदारी होनी चाहिए कि जिसके कारण हम उनमें फंसे नहीं। देखो, हम लोगों का सबके साथ जो दोस्ती या दुश्मनी का व्यवहार होता है वो ऐसा होता है कि उसमें हम दोस्त और दुश्मन बन के फंस जाते हैं, लेकिन साधु संत इस संपूर्ण विश्व के मित्र होते हैं लेकिन किसी में फंसते नहीं। क्या फर्क है? फर्क एक ही है, वो सबके साथ है लेकिन किसी में फंसे नहीं। यही अपने बुद्धि में समत्व लाने की बात है। सुख दुख के समय कृत्वा, आगे लाभा लाभो जया जयो। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, ये ऐसा थोड़ी है कि हमको हमेशा ऐसे ही मिलना चाहिए, नहीं। और इसीलिए एक दो छोटी बातें बता दें आपको। आप लोग सभी शादीशुदा है और आप लोगों को जितना शादीशुदा जीवन जीने का अनुभव है उससे हजार गुना हमको है। कारण क्या कि आप तो केवल एक ही पति पत्नी और बच्चे के प्रॉब्लम जानते हैं और हमारे पास कई सैंपल आ जाते हैं, इसीलिए हमारा डाटा बेस बहुत वाइड है। अच्छा, जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो कैसे बिगाड़ते हैं पहले ये समझा दे, फिर कैसे सुधारना ये समझेंगे। हम अपने बच्चों को जीवन में कभी भी नहीं सुनने की आदत नहीं डालते, बहुत महत्व की बात है। बड़े मुश्किल से पर फैमिली 1.5 चाइल्ड एवरेज निकालो ऐसे निकलता है। और उसके बाद ये दोनों माँ बाप दोनों उस बच्चे को अपने प्यार के कारण सफोकेट कर देते हैं, उसको इतने छुई मुई बना देते हैं कि जब वो बच्चा बाथरूम में जाना चाहता है तो वहां भी मम्मी चाहिए, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं। जिस बच्चे को बाथरूम में कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको जगत में कहां कॉन्फिडेंस होगा, उसको इतना ओवर प्रोटेक्टेड। दूसरी बात, अब वो जो चाहता है उसको दे दो, वो चाहता है ये चाहिए अच्छा ले लो। यदि माँ ने ना कहा तो डैडी अपना प्यार जताने के लिए उसको ले आते और फिर वो बच्चा जान जाता है अच्छा मम्मी डैडी आर इन कॉम्पिटिशन टू प्लीज मी, आप समझ में आ गया। और धीरे 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 उस बच्चे का ऐसा व्यक्तित्व बनता है कि जो अपने जीवन में नहीं सुनने का कभी भी जिसके जीवन में एक भी प्रसंग नहीं आया। अब बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद जब जाता है समाज में तो पहली बात उसको सुननी पड़ती है नहीं। और जब वो पहली बार जीवन में नहीं सुनता उसको वो सह नहीं सकता, और जब वो सह नहीं सकता तो उसी के बाद फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन डिजेक्शन एवरीथिंग फॉलोज इन होड्स एंड हर्ट्स। हर सच्चे पर्सन इस प्रकार का व्यक्ति पूरे जीवन में केवल दुखी रहता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक बात है। ऐसा नहीं कि हमारे पास हाँ है इसीलिए दे, नहीं, हमको बच्चों को निर्माण करना है, बिगाड़ना थोड़ी है। इसीलिए लाभ अलाभ, हाँ कभी कभी गलत हो या सच हो, बच्चों को बड़ों से ना सुन करके स्वीकारने की क्षमता निर्माण करवाना ये बड़ों का धर्म है। कई बार जैसे हमारे आश्रम में हमारे विद्यार्थी कितनी बातें हमको पूछते हैं, सामने ये करेंगे क्या वो करेंगे क्या, और हम कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते। तो एक संत ने हमको पूछा, स्वामी जी आप कभी कभी तो हाँ कहते हो और हमको लग रहा था इस समय आप हाँ कहोगे और आपने ना कह दिया, ऐसा क्यों? तो हमने कहा देखो आपका इंटरेस्ट है, आपका ये जो फंक्शन है ना वो फंक्शन बढ़िया बने,
योर इंटरेस्ट इज दैट कि हमने इतना बड़ा फंक्शन किया, उसमें ऐसे स्वामी को बुलाया और फिर उसकी इतने शिष्य आ गए और फिर इतने लोग आए और फिर कैमरे चल रहे थे और तबले बज रहे थे और लोगों ने कहा फंक्शन खत्म होने के बाद, कपूर साहब आपने जो फंक्शन बनाया था पिछले 50 साल में एक बार भी नहीं हुआ। और कपूर साहब फिर चलने लग जाते हैं हवा में। हमने कहा आपके फंक्शन करने का तात्पर्य हाउ सक्सेसफुल आई हैव कंडक्टेड दिस फंक्शन। हमने कहा हम लोगों का तात्पर्य है कि हम अपने बच्चों को हाउ वी आर अनफोल्डिंग देम एट एवरी मोमेंट। ये महत्व की बात है। ऐसा नहीं कि समझो कई बार हमको विद्यार्थी पूछते हैं स्वामी जी आई वॉन्ट टू गो एंड सी माई मॉम, आई सेड नो। क्या वो बच्चा अपने माँ को जाकर के न मिले इसके द्वारा हमको खुशी होती है? नहीं। लेकिन हम उसको सिखाना चाहते हैं कि जीवन में ना सुनना सीखो। कई बार आपने देखा होगा गुरु शिष्य को बिना कारण से डांट देते हैं और जिस शिष्य को ये बात समझ में नहीं आती वो दुखी होता है, लेकिन जो कहता है कि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित है और उस गुरु में भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे, ऐसे गुरु से डांट खाने के बाद यदि हमको दुख होता है तो जगत के आम लोगों से डांट खाने के बाद हम तो आग बबूला हो जाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, यही जीवन का सिद्धांत है, इसको सीखना पड़ता है। ये बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, ये बातें जीवन में उतारनी है। और ऐसा करते करते जब हमारे ही बच्चे, हमको याद है कई बार अभी ये स्टूडेंट्स के पत्र आते हैं और वो अपने अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिखते हैं, हम उनको बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। और एक ने पत्र लिखा, हमने उसको जब पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है कि स्वामी जी आपने जितना मुझे समझा उतना मैं मुझे आज तक नहीं समझ पाया। कारण क्या, हम जिस देह जिस मन जिस बुद्धि के साथ तादात्म्य कर चुके हैं उसको हम दूर से नहीं देख सकते। और गुरु कौन है जिसके अंतकरण में केवल एक ही इच्छा है कि अपना शिष्य इसी जीवन में तत्व का दर्शन करे। जैसे जिसके हाथ में हथौड़ी छन्नी हो और वो एक सॉलिड ब्लॉक के सामने खड़ा हो तो उसकी कौन सी तमन्ना होगी कि ये पत्थर जो यहाँ एकदम तिरस्कृत होकर के पड़ा हुआ है इसमें से एक सुंदर मूर्ति निकल आवे। दूसरा कोई नहीं, लेकिन समझो देखने वाले कहे कि देखो जी ये बेचारा सिंसियर पत्थर पड़ा हुआ था, क्या आपको दुनिया के सभी पत्थरों में यही पत्थर मिला? तो फिर वो क्या कहेगा, ठीक है तू बैठा करके तुम पर शुरू कर दो। इसी प्रकार से जीवन में लाभ हानि आने के कारण यदि हम अपने संतुलन को विषमता नहीं प्राप्त करवा देते और अपने मन के संतुलन के कारण अपने जीवन का प्रवाह उसी संथ गति से चलते रहता है तो जीवन का सौंदर्य है, अन्यथा नहीं। और इसी को लेकर के यदि देखो हमारे यहाँ पति पत्नी अपना 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हम लोगों को विशेषता नहीं लगती, फॉरेनर लोगों को बड़ी विशेषता लगती है। इसका कारण क्या है, इन दोनों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। अब एक छोटी सी बात बताएंगे, एक बहुत वृद्ध कपल है, वो पति महाराज है कोई 85-90 नॉट आउट और पत्नी है 2-4-5 साल कम। और हमने एक बार उनसे बात की कि अम्मा आपके पति इतने स्ट्रिक्ट है, इनके साथ आज तक कोई नहीं रह सकता, आपने कैसा निभाया? बोले स्वामी जी ऐसा मत कहो, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ,
और उन्हीं के कारण मुझे भगवान से कैसे बोलना ये आ गया। ध्यान से सुनना, वो अम्मा पेड़ों से बात करती है, भगवान के जो चित्र है उनसे बात करती है, और ऐसी बात करती है कि किसी सजीव व्यक्ति मत्व से बात कर रही है, और उसके कारण वो अपने आनंद में मस्त रहती है। तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत लिया? बोले स्वामी जी, जब मैंने इनको जान लिया कि दोपहर को 12 बजे धूप में आकर के मुझे कहेंगे कि चंद्रमा का प्रकाश कैसा है, तो मैं कहती बहुत ठंडा है जी। जहां हमने अपने जीवन में विरोध करना समाप्त कर दिया, उसी क्षण से हमारे चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। जहां चित्त वृत्ति का निरोध होगा, वहीं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, तब हम अपने स्वरूप में अपने आप फिट हो जाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के कबड्डी 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 कबड्डी, हर कब तक? छोटी मोटी चीजों को भूलना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। उसके बाद अपने इस जीवन के युद्ध में कूद पड़ो। फिर न एवं पापम अवाप्स्यसि, तो समता का क्या अर्थ हुआ? समत्व का जीवन वो जीवन है जो अपने जीवन में पाप पुण्य की निर्मिति नहीं करता। हम लोग सुषुप्ति अवस्था में सुख की अनुभूति क्यों करते? दो कारण से। एक, पाप पुण्य के सुख दुख जो फल है वो हमको अनुभूत नहीं होते। दूसरा, हम सुषुप्ति अवस्था में मैं सो रहा हूं इस अभिमान का त्याग कर चुके होते। जिसके जीवन में कर्तृत्वाभिमान और जो कर्म फल है उसके साथ भोक्तृत्वाभिमान, ये दो बातें समाप्त हो जाती है, वही व्यक्ति समत्व की निष्ठा प्राप्त कर चुका है। और जिस जीवन के कारण, जिस व्यवहार के कारण यदि पाप पुण्य की निर्मिति हो गई, तो उससे बढ़कर के गलत जीवन और कोई नहीं। एवं पापम न अवाप्स्यसि, यदि हम इस समत्व को ठीक से बनाए रखें तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा जब भगवान ने बताया समत्व का सिद्धांत, उसके बाद इस समत्व के सिद्धांत को अपने जीवन में भी उतारना है, और इस जीवन में उतारने के लिए उन्होंने द्वितीय अध्याय के 47वां श्लोक, आप सबको पता है, वो सिद्धांत दिया, कर्म के करने की प्रक्रिया की सीक्रेट कौन सी है? आपको सबको पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक, मा फलेषु कदाचन, दो, मा कर्म फल हेतुर्भूः, तीन, और मा ते संगः अस्तु अकर्मणि, चार। तिलक महाराज कहते थे यह कर्मयोग की चतुसूत्री है। इन चार चीजों को अपने जीवन में उतारे तो उसके द्वारा हमारे बुद्धि का संतुलन कभी भी नहीं खोएंगे। और ये चार चीजों को जीवन में उतारना कैसे संभव है, और जिसने ये किया है उसके लक्षण क्या है, ये दो बातें इस श्लोक के बाद बताई है। उसके जो लक्षण है स्थित प्रज्ञ के, ये तो हम देख चुके हैं। बुद्धि की समता क्या है हमने समझ ली, अब हमारा प्रयत्न ये है, क्या ये बुद्धि की समता हमको प्राप्त हो सकती है कि ये केवल भगवद गीता में ही पढ़ने के लिए? एक छोटी सी बात आपको बताएं, जो व्यक्ति कोई भी बात एक क्षण में समझ लेता है या भोग लेता है, उसके जीवन में उबना बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे एक छोटा सा विद्यार्थी था हमारे एक स्कूल में, हम वहाँ उस समय इंचार्ज थे, और वो इतना इंटेलिजेंट था कि बाकी के बच्चे यदि कोई बात समझने के लिए, पढ़ने के लिए या पेपर लिखने के लिए समय 2 घंटे लगाते, तो ये बच्चा 15 मिनट में सब खत्म, इतना इंटेलिजेंट। उसके कारण क्या हो जाता था
कि उसको कुछ भी दो बात तुरंत समझ में आ जाती थी। और फिर ये जो उसकी बौद्धिक क्षमता थी, वो बौद्धिक क्षमता उसको योग्य प्रकार से यदि चैनलाइज ना करे तो वही बौद्धिक क्षमता उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती। ठीक, यदि आम व्यक्ति समझो 10 बार कुल्हाड़ से मारने से एक पेड़ को काटता है, और ये विशेष व्यक्ति है, वो ऐसी कुछ टेक्निक उसके पास है कि एक ही बार झटका लगाएगा और पेड़ नीचे गिर गया। अब बाकी लोगों को और 9 बार मारना है और इसको सामने मारने के लिए कुछ है ही नहीं, तो करेगा क्या? तो उसके जीवन में मर्फी लॉ निकल आएगा। यू नो मर्फीज लॉज, दे आर वेरी फेमस। वन ऑफ द मर्फीज लॉज इज, व्हेन यू हैव ए हैमर इन योर हैंड, एवरीथिंग अराउंड लुक्स लाइक ए नेल। जब हमारे पास क्षमता हो, लेकिन उस क्षमता को उपयोग में लाने की जो प्रक्रिया है वो मालूम ना हो, तो उसी क्षमता के कारण हम बंधन में आ जाते हैं। और इसीलिए यहां ये 4 बातें बताने के बाद भगवान उस क्षमता का प्रयोग जीवन में कैसे करना है उसको बताते हैं। तो पहले 4 बातें शॉर्ट में समझ लें। हमारे ये श्लोक में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को यदि हम आजकल की भाषा में बताएंगे तो उसको कहेंगे दिस इज ड्यूटी ओरिएंटेड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। वह जीवन जिसमें अधिकार का महात्म्य नहीं है, अपने जो कर्तव्य कर्म है उसका महात्म्य है। इसीलिए उन्होंने कहा है कर्मणि कर्तव्य कर्मणि एव ते अधिकारः। हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। क्या है आपका अधिकार? हमारा अधिकार है हमारे जो कर्तव्य कर्म है, ऑफिस में टाइम पर जाना और ऑफिस का अच्छा काम करना, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। इसको हम ठीक से करके रहेंगे, कौन आपको ना कहेगा? लेकिन हमारा अधिकार हमेशा जब जब हमने मांगा है उस समय हमने अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दी है। इसको ठीक से समझ लेना। व्यक्तिगत और सामाजिक सबके लिए संतुलन लाने का ये एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कैसे? जब प्रत्येक व्यक्ति, उदाहरण के लिए अपना घर ही ले ले, काहे को नेशनल बने, घर में शांति हो गई तो बहुत है। अपने देश की बर्बादी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हम लोग अपना घर में रहे तो हमको अपने घर में यदि शांति का वातावरण लाना है तो क्या करें? बहुत सरल बात है, इस श्लोक के विचार को जीवन में उतारे। पहला विचार, हम घर के प्रत्येक घटक को अपने अपने कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है। जैसे समझो माँ ने खाना बनाया, उसके बाद खाने का टाइम है। यदि सभी लोग अपनी जो राग द्वेष लाइकिंग डिसलाइकिंग, अभी मुझे खाने का मूड नहीं है, मैं सबके खाने के बाद खाऊंगा, इस प्रकार की जो गलत धारणा है उसका त्याग करके सभी के सभी एक समय में आकर के खाना खावे, तो क्या हुआ? 2 बातें हो गई। उस माँ का जो अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति ने समय पर टेबल पर आकर के खाना खाना चाहिए, वो उसको मिल गया। और वो उसको कैसा मिला? क्योंकि हम सब लोगों ने स्वयं होकर के ये स्वीकार किया कि ये हमारी ड्यूटी है कि जब खाने का टाइम आता है तो हम जाकर के डाइनिंग टेबल पर स्वयं बैठे हम खाना खाते हैं। तो क्या माँ पर उपकार कर रहे हैं? नहीं। देखो, यदि घर के सभी व्यक्तियों ने अपने कर्तव्य कर्म के बारे में जागृति रखी तो उस माँ का जो अधिकार है, जब मैं खाना लगाती हूँ टेबल पर, सब आकर के खाना खा ले, अपने आप पूरा हो गया। और ये कहने के लिए ना किसी को कहने की आवश्यकता है, ना यह जो डिसिप्लिन है ये कोई बंधन बनेगी। हम आपको काल्पनिक बात नहीं सुना रहे, हमारे आश्रम में भी किचन है,
और वहाँ आपके यहाँ तो बड़े मुश्किल से 2.5-3 लोग रोज के खाने वाले होते और हमारे यहाँ 250-300 होते, और इतना होने के बाद भी चाय का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, शाम के चाय का टाइम, डिनर का टाइम, ये सब का सब यदि ठीक से ना चले तो आश्रम में कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए नियम क्या है? नियम ये है, चाहे कोई ही रहे, एनी बडी हु इज टेकिंग फूड इन द आश्रम हैज टू रिपोर्ट फॉर फूड व्हेन द बेल गोज। लेकिन मुझे भूख नहीं है, वी डोंट कंपेयर बट यू डोंट गेट फूड देयर आफ्टर। यदि हम स्वयं हो करके रिस्पॉन्सिबल रहे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दूसरे के जो राइट्स है दे आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर आउट। अभी सिद्धांत को नेशनल लेवल पर ले आओ, यदि हमारे जो राजनीतिज्ञ संत लोग हैं, यदि उन्होंने अपने देश का भला करना ये अपनी जो ड्यूटी है उसके उसको लेकर के अपने जीवन को चलावे, तो सभी जितने भी इस देश के वासी हैं उनका जो अधिकार है कि हमारे नेता हमारे देश को ऐसा चलावे कि उसकी नीलामी करने की बात ना आवे। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी करी और उसमें हमारा अधिकार मिल गया, और यदि हमने अपनी ड्यूटी करी कौन से अच्छे लोगों को उस स्थान पर रखना, लेकिन हमने अपनी यदि ड्यूटी अच्छी नहीं करी और वहां जाकर के कोई गुंडागर्दी लोग बैठ गए और बाद में फिर कोसना कि हमारे राजनीतिज्ञ गंदे हैं, तो हमने ही तो उनको वहां लाया है। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते थे कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड ऑन द पीपल, वी ऑल सफर बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रीडम। तो जितनी ये बात हमारे हृदय में उतर आएगी उतना हम देखेंगे अपने जीवन के कर्तव्य कर्म जब हम स्वयं होकर के करेंगे तो अपने कर्तव्य कर्मों में सबके अधिकार जो नीत है उनको अपने आप मिलते रहेंगे। अब हम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए जब लगे रहेंगे तो हमको कोई नहीं रोक सकता, और यदि हम केवल अपने अधिकारों के लिए झगड़ा करेंगे तो हमारे अधिकार तो हमको मिलेंगे ही नहीं, लेकिन हम अपने कर्तव्य कर्मों को भी पूरे नहीं करेंगे। इस प्रकार से यह जो ड्यूटी ओरिएंटेड फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो भगवान कृष्ण ने बताई है, यही अपने जीवन को, समाज को, देश को, राष्ट्र को योग्य दिशा निर्देश कर सकती है, बाकी कोई फिलॉसफी नहीं कर सकती। और इसीलिए पहला सिद्धांत अपने बुद्धि के संतुलन को रखने का, सुख ये कर्मण्ये वाधिकारस्ते। दूसरी बात, मा फलेषु कदाचन, जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी बढ़िया कर रहा है तो उसके दिमाग में ये कीड़ा हमेशा घुसता है, कौन सा? हम ही सिंसियर है बाकी लोग नहीं है, ऐसे हरेक को लगता है, असल में होता कोई नहीं। जो व्यक्ति स्वयं सिंसियरली काम कर रहा है उस व्यक्ति को अपने काम करने में ही आनंद की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को अपने कर्म करने में आनंद की प्राप्ति होती है वो व्यक्ति मुझे कर्म करने के बाद क्या मिलेगा इसको लेकर के आज कर्म करने को नहीं टालेगा। अब देखो अभी का अपने यहां का उदाहरण ले लो, आप लोग यहां जो आ रहे हैं आपको ना तो डॉक्टर ने लिख के दिया है आर, ना तो आपको आई होप घर के पति पत्नी ने नहीं कहा कि जरा सुन के आओ। हाँ, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डिनेंस नहीं निकाला कि आपको जाकर के सुनना है, आप स्वयं होकर के यहां आए। उसी प्रकार से हम जो यहाँ आए हम किसी भी दबाव में होकर के नहीं आए, हमको भगवत गीता के विचार पर बोलने में आनंद आता है इसीलिए हम आए। तो हम यहाँ आए अपने मस्ती के कारण, आप यहाँ आए अपने मस्ती के कारण, इस मस्ती में यहाँ आना ये हमारी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी है यहाँ आकर के मस्ती से सुनना।
तो हमारा आपके प्रति क्या अधिकार है कि आप ठीक से सुने, बीच में सुनते सुनते नाचना ना शुरू कर दे, तो वो अपने आप आ गया। और आपका हम पर क्या अधिकार है कि जब हम ये बात बताना शुरू करें तो यही बात बतावे कि दूसरी जगह ना चले जाए। तो आपके अधिकार हमारे ड्यूटी में निहित है और हमारे अधिकार आपके ड्यूटी में निहित है। और इसीलिए हम सब लोग जो यहाँ आकर के डेढ़ घंटा बैठते हैं तो यहाँ कोई नारेबाजी नहीं होती, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं होती। हमारी मांगे पूरी करो, भगवद गीता खत्म करो, हमारी मांगे नहीं। सबका सब प्रेम के वातावरण में बढ़िया से बढ़िया चल रहा। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब तीसरी बात, मा कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म फल का हेतु मत बनो, माने किस क्रिया के द्वारा कर्म फल की प्राप्ति होती है। ये शब्द हम लोगों ने सुना है कर्म फल, हमने कभी भी ये शब्द नहीं सुना क्रिया फल। कर्म और क्रिया में क्या फर्क है, यही फर्क है। जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उस क्रिया को कर्म कहते हैं और उस कर्म का ही फल होता है। जब भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतु भू, माने किसी भी कर्म को निर्माण मत करो, फिर क्या करो, क्रिया करो, लेकिन उस क्रिया के साथ अपने कर्तृत्वाभिमान को मत लगाओ। तो अपने जीवन में इस कर्तृत्वाभिमान को हटाने के अनेक तरीके हैं। एक छोटा सा तरीका ये है, यदि हम अपना कार्य ईमानदारी से अच्छा करते हैं तो हम किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे। ध्यान से सुनना, यदि हम किसी को आदर देते हैं तो हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जो आदर देने वाला होता है उसका अंतकरण शुद्ध होता है, आदर लेने वाले का अंतकरण नहीं शुद्ध होता। उसी प्रकार से जो इस दृष्टि से कर्तव्य कर्म की दृष्टि से कर्म में लगा हुआ है उसका अंतकरण शुद्ध हो रहा है। और इसीलिए जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने अंतकरण के शुद्धि के लिए अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं तो उसमें अभिमान की क्या बात है, ये तो खुल्लम खुल्ला स्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति को काहे का अभिमान। यदि हम अपने जीवन में अच्छा जीवन जी रहे, वी आर नॉट ओब्लाइजिंग एनी बडी, वी आर बाउंड टू डू दैट। इसीलिए मां कर्म फल हेतुर्भूः। और जब ये बात समझ में नहीं आती तो इस प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं, स्वामी जी इस जगत में जो अच्छे लोग हैं ना उनको हमेशा परेशानी होती है और जो बुरे हैं उनको हमेशा मस्त मिलता है। उदाहरण लो, मेरा ही उदाहरण लो, मुझे बहुत परेशानी है। प्रभु आपकी ये गलत फहमी कब से हुई कि आप अच्छे हैं? See, this all wrong concepts. जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा जीवन जीने से दुखी होता है उस व्यक्ति ने जीवन अच्छा जिया ही नहीं। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अच्छे जीवन का परिणाम अंतकरण में किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन के रूप में कभी नहीं आता। आप देखेंगे ये पॉलिटिशियंस ले लो, समाज सेवक ले लो, बुढ़ापे में जाकर के देखो उनके जीवन को कितने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और उन्होंने काम कितना किया होता है, इतना चटाक भर। और साधु संत इतना काम करते हैं लेकिन कभी कोई क्लेम नहीं करते। और इसीलिए आपको ये कभी नहीं मिलेगा सुनने को किसी साधु संत ने फ्रस्ट्रेट होकर के आत्महत्या करी, नहीं। लेकिन वो समाधि तो लेते हैं। अरे राम, कहां समाधि और कहां आत्महत्या। इसीलिए अपने जीवन की परिपूर्णता इसी में है कि हम अपना जीवन बहुत बढ़िया जीते हैं। मां कर्म फल हेतुर्भू। और चौथी बात, मां ते संगः अस्तु अकर्मणि। हम शॉर्टकट निकाले कौन सा, यदि कर्म के कारण इतने परेशान हो रहे हैं तो कर्म ही करना छोड़ दो ना, ना बजेगा बास ना रहेगी बासरी। बोले महाराज
कर्म छोड़ना चाहिए ये कहने की बात है, बहुत कठिन है। तृतीय अध्याय में इस विषय को विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से हम सोचते हैं हमने कर्म का त्याग कर दिया। कर्म का त्याग नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन के कारण हमको रिटायर्ड कर दिया होता है, वो कर्म का त्याग नहीं। और इसका अगला विचार जो है बुद्धि के संतुलन को रखने का फिर देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। We'll be right back.